आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त लूप बेस्ड FLP। जिस FLP को मैं आज रिव्यू करूंगा वो DJ बिकी पटेल का बहुत ही जबरदस्त FLP है दोस्तों, जो कि इन्होंने लगभग अभी 4-5 महीने पहले एक सॉन्ग क्रिएट किया था कन्हैया कन्हैया, तो उसी सॉन्ग का दोस्तों ये FLP आज भी आप लोगों के सामने रिवील करूंगा। ये एक लूप बेस्ड FLP है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने लूप बेस्ड तरीके से बनाया है, तो आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने इस सॉन्ग को रिमिक्स किया है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस सॉन्ग की थोड़ी सी क्लिप को सुना दे रहा हूँ, तो सुनिए आप। देखा दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक लूप बेस्ड, इसको हम सॉन्ग बोलेंगे दोस्तों, यानी कि केवल लूप का ही प्रयोग दोस्तों इन्होंने ज़्यादातर किया है और वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने इस सॉन्ग को रिमिक्स किया है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो FLP मैं आप लोगों को दूंगा वो FL स्टूडियो के 20.9.2 के वर्जन में ये रन करेगा, उससे नीचे के वर्जन दोस्तों ये रन नहीं करेगा। जिन लोगों के पास FL स्टूडियो 20.9.2 है दोस्तों उनके FL स्टूडियो में ये चलेगा नहीं, तो दोस्तों उसके लिए आप मुझे ब्लेम मत करिए, क्योंकि मेरे पास 20.9.2 का ही वर्जन है जो कि परचेस वर्जन है और उसी पर मैं आप लोगों को रिवील कर रहा हूँ। और दोस्तों इस FL स्टूडियो में जो मैं पासवर्ड लगाऊंगा इस FLP में, तो वो दोस्तों 4 स्टेप में रहेगा और आपके स्क्रीन पर वो धीरे धीरे ब्लिंक होता रहेगा। कट टू कट क्लियर शब्दों में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पासवर्ड को नहीं ढूंढ पाएंगे तो दोस्तों तो ब्लेम मत करिएगा, किसी भी प्रकार का गलत कमेंट मत करिएगा, आप तुरंत वीडियो को डिसलाइक करिएगा और तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ, पासवर्ड गलत बताया है तुमने, चूतिया बना रहे हो, ये वो, तो इसलिए दोस्तों अब ये सब मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं किसी पैसे के पर्पज पर नहीं बनाता हूँ दोस्तों। 1000 व्यूज पे यूट्यूब हमें 25 रुपए देता है, उससे क्या उखड़ जाएगा जीवन में, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं अपने खाली टाइम पे, ये मेरा पैशन है, मैं आप लोगों को एक एजुकेशन देना चाहता हूं, जिसके लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए। इसमें मेरे पास व्यूज आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, 1 रुपए मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे पास और भी मेरे पास बहुत सारे काम है, जो कि मेरा स्टूडियो वाला काम है वो मेरा मेन काम है, तो इसलिए दोस्तों अगर मैं अपने खाली टाइम पे ये मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पैसे के पर्पज पे बनाता हूँ। और इसके लिए अगर मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप भी मेहनत करिए, पासवर्ड को निकालिए, ठीक है। और अगर आप ये बोलेंगे कि मैं चूतिया बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो दोस्तों इस शब्द का गलत प्रयोग करने से पहले आप चैनल को तुरंत डिसलाइक करिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने सारे यूजर्स हैं मैं सबको यही बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना किसी बेनिफिट के लिए चीज़ नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों को एक एजुकेशन देने के पर्पज़ पे बताता हूँ ये सारी चीज़ें। तो चलिए आइए हम अपने FLP के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इन्होंने कन्हैया कन्हैया का एक सॉन्ग लिया, ठीक है, और इसको इन्होंने बीट मैच किया, जो कि FL स्टूडियो पे ही आप देख सकते हैं, चॉप कर करके इन्होंने बीट मैच किया है। इसमें दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है बीट मैच करने में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने ये जो सॉन्ग है 5 नंबर के मिक्सर चैनल में डाल रखा है, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, और इतने सारे EQ प्रोसेस करके बैकग्राउंड को रिमूव करने की कोशिश किया है दोस्तों। रात सब कुछ करने के बावजूद दोस्तों तब आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका ये जो सॉन्ग है, इतनी दोस्तों सफाई के साथ ये पूरी तरीके से बैकग्राउंड तो हम नहीं बोल सकते रिमूव हुआ, बट लगभग जितना हमको काम था, ज़रूरत था, उतने में ये हो गया है। तो दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों इनके अरेंजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों इन्होंने शुरुआत किया है इस एक्सप्लोजन से, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने किक लगाया है, आप
आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके का इन्होंने लूप का एक ग्रुप बनाया है, परकसन से इन्होंने जो ग्रुप बनाया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, आप यहाँ देख सुन सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक पहले तो उन्होंने किक लगा दिया, किक के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक ढोल का पीस है, ढोलक का पीस है, ठीक है। एक कश्मीर सैंपल्स में से इन्होंने एक टॉम लगाया है, एक ये मंजीरा लगा दिया है, ठीक है। फिर एक और इन्होंने तबला लगा दिया, ठीक है। एक और टॉम लगाया इन्होंने, एक ये परकसन लगाया। तो इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक ग्रुप तैयार किया। ठीक है, और जबरदस्त किक भी इन्होंने लगाया है। इसके बाद यहाँ पे फिर एफएक्स किक, ठीक, डीजे विकी, ठीक है। इनका वॉइस टैग है, स्नेयर के साथ इन्होंने स्नेयर फील्स बनाया है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो कि इनके गाने का जो मेन जान है, मेन रिदम है, यही है दोस्तों, ठीक है। ये किक, और किक के साथ सबसे पहले इन्होंने एक ये लगाया परकसन, एक ये ढोलक लगाया, एक ये ढोलक लगाया, दोनों अलग अलग तरीके का है, ठीक है। इसमें 3/2 में इन्होंने लगाया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये टॉम लगा दिया, जो कि यही दोनों समझ लिए मेन है पूरे रिदम सेक्शन में, इनकी मेन भूमिका है, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम देख सकते हैं एक घुंघरू इन्होंने लगा दिया है, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद यहां देख सकते हैं जो टॉम है, टॉम भी इन्होंने जबरदस्त चूज किया है दोस्तों। तो सब कुछ सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक और टॉम लगाया इन्होंने, ठीक है, हाई हैट्स। फिर वही टॉम थोड़ा सा हैवी करने के लिए दोस्तों एक इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक परकसन का यूज, सॉरी यहाँ पे एक बेस लाइन का यूज किया है। हम आपको दिखा देते हैं कि ये बेस लाइन क्लोज्ड और ओपन से ही बनाया हुआ है, जो कि कोई स्पेशल बेस लाइन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम आते हैं तो इसी प्रकार से पूरा सॉन्ग चल रहा है। यहाँ देखिए जो इन्होंने दोस्तों इधर के सेक्शन में आप अगर देखेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो स्नेयर ड्रम है ये, इसको इन्होंने ये डाउन किया हुआ है, ठीक है, ऑटोमेशन का प्रयोग करके, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने काम किया, बहुत ही सफाई के साथ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सॉन्ग में बिल्कुल कहीं से भी कोई भी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो इनका घुंघरू है, घुंघरू देखिए बहुत ही प्यारा लगाया है, देखा दोस्तों। तो यही सब चाहिए होता है मेन रिमिक्स में, कुछ नई चीज़ें करने के लिए। आजकल तो आप देखें भतेरे एकदम रिमिक्सर पड़े हुए हैं और कुछ भी अनाप शनाप उठाकर कर दे रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही है दोस्तों, क्या करें, सही बात थोड़ी कड़वी होती है, वो बुरी लगती ही है। और सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो भी इन्होंने अपना एक रिदम तैयार किया है दोस्तों, ये सॉन्ग के साथ एकदम बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है, यानी कि ब्लेंड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने सॉन्ग में थोड़ा सा नया मोड़ डाला है, देखिए इस तरीके का, चीजें सारी एलिमेंट्स वही है, बस यहाँ पे इनके लगाने का जो क्रम है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब वही है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे फिर से सॉन्ग के अंदर एक नया मोड़ आ रहा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि हार्मलेस वगैरह चल रहा है, हार्मर की VST चल रही है, बाकी ये भी परकसन ही चल रहा है दोस्तों, और इसको हम थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा टाइप का परकसन बोलेंगे,
शानदार लगता है आज के भी टाइम पे अगर कोई इस प्रकार का रिमिक्स करता है तो। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि एक इन्होंने यहाँ पे रिगेशन बीट तैयार किया है इस गाने के साथ, जो कि प्रॉपर एकदम ब्लेंड हो रहा है, यानी कि मैच हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही सॉन्ग के अंदर तीन तीन प्रकार का रिदम चल रहा है, किधर चल रहा है, किधर चल रहा है, किधर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के रिमिक्स करने के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही नई नई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक प्लग बेस लाइन उठा दिया और उसी पे चेप दिए और गाना बन गया, दम दुम दम करने लगा। और कुछ लोग तो बस ढोलक तबला पे ही मस्त रहते हैं दोस्तों। तो अगर रिमिक्स कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार की नई नई यूनिक चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे फिर एक अलग रिदम चल रहा है जो कि M2 है ये। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि वही रिगेशन बीट इधर चल रहा है और बट इसमें किक की कमी है, मतलब किक इन्होंने नहीं लगाया क्योंकि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। हर जगह दोस्तों एक ही चीज चलेगा तो वो थोड़ा सा सुनने में भी डिस्टर्बेंस करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने इस सॉन्ग का रिमिक्स किया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों। बाकी इधर अगर हम देखते हैं इनके मास्टर सेक्शन में आके, तो मास्टर में इन्होंने कहीं से कुछ नहीं किया है। अब बताइए बिना मास्टरिंग किए हुए ये सॉन्ग इतना बखूबी इतना सुंदर बज रहा है तो क्या ये गलत है दोस्तों? तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग मतलब भेड़ मत बनिए, ठीक है। अगर एक इंसान जो कर रहा है वही चीज़ करके आप लोग अपने काम को अच्छा नहीं कर सकते। एक बंदा वाइब्रेशन दिया तो सब के सब वाइब्रेशन पे लग गए, हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे ये हो गया झन झन बेस, GMS बेस, ये बेस, फलाना बेस, यार बहुत हसाई होती है यार तुम लोग ये जिस तरीके का काम करते हो ना, जो भी हमारी ये बातें सुने जो ये इजुल फिजुल की काम करते हैं ना, तो ये सब बहुत हंसी आती है सुन के। और जो प्रोफेशनल बंदे हैं ना वो भी सुन के बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का काम ना किया करिए, म्यूजिक को म्यूजिक के तरीके से जिए और उसके बाद अपने काम को एक अनोखा काम करिए और यूनिक काम करिए ताकि वो लोगों से हटकर वो प्रेजेंट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और आशा करता हूँ कि आज का ये जो डीजे बिकी पटेल का FLP आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपकी स्क्रीन पर इस FLP में लगा हुआ सारा पासवर्ड आ गया है जो कि 4 स्टेप में है, 20.9.2 के वर्जन में दोस्तों ये रन करेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।